आज हम लोग बात करेंगे कंट्रोल सिस्टम की। कंट्रोल सिस्टम क्या होता है इसको हम लोग को समझते हैं, व्हाट इज़ अ कंट्रोल सिस्टम। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कंट्रोल सिस्टम क्या है, बेसिक इंट्रोडक्शन। तो ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम हैज़ प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द एडवांस ऑफ इंजीनियरिंग साइंस बिसाइड इट्स एक्सट्रीम इम्पोर्टेंस इन स्पेस व्हीकल सिस्टम मिसाइल गाइडेंस सिस्टम। ऑटोमेटिक कंट्रोल हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी बड़ा मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस, जहाँ पे आप देखते हैं कि ऑटोमेटिकली सारे ऑपरेशन जो होते हैं वो परफॉर्म्स हो रहे हैं। डिज़ाइन ऑफ ऑटो पायलट सिस्टम इन एरोस्पेस इंडस्ट्री, डिज़ाइन ऑफ कार्स एंड ट्रक्स इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल ऑपरेशन एज कंट्रोलिंग प्रेशर टेम्परेचर ह्यूमिडिटी विस्कोसिटी एंड फ्लो इन द प्रोसेस इंडस्ट्री। तो सिस्टम क्या है, सबसे पहले जरूरी अगर हमें समझना है कि कंट्रोल सिस्टम, तो हमें सिस्टम समझना होगा। सिस्टम एक्चुअली क्या है कि सिस्टम जो होता है एक अरेंजमेंट है, सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ थिंग्स का, जिसमें कनेक्टेड है एक दूसरे से या रिलेट करते हैं इन सच अ मैनर एज टू फॉर्म एन एंटायरली और होल। सिस्टम इज एन अरेंजमेंट ऑफ फिजिकल कंपोनेंट कनेक्टेड या रिलेटेड इन सच अ मैनर एज टू फॉर्म एंड और एक्ट एज एंटायर यूनिट। कोई भी सिस्टम हो सकता है, और उसमें हम लोग इनपुट आउटपुट सिस्टम और रेफरेंस सिस्टम की बात करते हैं आगे। तो सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ कंपोनेंट्स इन विच ईच कंपोनेंट हैज सम कॉज एज इनपुट एंड इट्स इफेक्ट विल बी इट्स आउटपुट। तो ब्रॉडली सिक्वेंशनल सेट ऑफ कोर काउज एंड इफेक्ट, ये क्या होगा इसमें, इसमें होगा सेट ऑफ काउज एंड इफेक्ट। तो ईच सिस्टम हैविंग हैव अ लार्ज नंबर ऑफ सब सिस्टम। एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट, द यूनिवर्स इज इट्सेल्फ अ सिस्टम। यूनिवर्स भी हमारा एक प्रकार का सिस्टम ही है, जिसमें कि कंसिस्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ सब सिस्टम, जिसमें कि छोटे छोटे सब सिस्टम मिलकर हमारा एक बड़ा यूनिवर्सल सिस्टम बनता है। सेकेंड वन, दैट योर ह्यूमन बॉडी एज अ सिस्टम हैज डाइजेस्टिव सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन बॉडी एज अ सिस्टम हैज डाइजेस्टिव सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कंट्रोल सिस्टम की। तो कंट्रोल सिस्टम इज एन अरेंजमेंट ऑफ फिजिकल कंपोनेंट जो कि कनेक्टेड होते हैं या रिलेट करते हैं इन सच अ मैनर एज टू कमांड डायरेक्ट और रेगुलेट इट्सेल्फ और अनदर सिस्टम के। अ कंट्रोल सिस्टम इज एन अरेंजमेंट ऑफ फिजिकल कंपोनेंट कनेक्टेड और रिलेटेड इन सच अ मैनर एज टू कमांड डायरेक्ट और रेगुलेट इट्सेल्फ और अनदर सिस्टम। द कंट्रोल सिस्टम इज एन अरेंजमेंट ऑफ फिजिकल कंपोनेंट्स कनेक्टेड या रिलेटेड इन सच अ मैनर एज टू कमांड डायरेक्ट या रेगुलेट इट्सेल्फ और अनदर। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कौन कौन से बेसिक एलिमेंट्स जो होते हैं हम लोग यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट, कंट्रोल वेरिएबल। अब इसको डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज़ द कंट्रोल वेरिएबल। तो कंट्रोल वेरिएबल क्या होंगे, द क्वांटिटी और कंडीशन ऑफ द कंट्रोल सिस्टम विच कैन डायरेक्टली मेजर, जिसको हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं वो हमारे कहलाएंगे कंट्रोल वेरिएबल। इनडायरेक्टली कंट्रोल वेरिएबल क्या होंगे, द क्वांटिटी और या कंडीशन रिलेटेड टू कंट्रोल वेरिएबल बट कैन नॉट बी डायरेक्टली मेजर, बट इनको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं, इज नोन एज योर इनडायरेक्टली कंट्रोल वेरिएबल। थर्ड आता है एलिमेंट्स में कमांड का, द इनपुट विच कैन बी इंडिपेंडेंटली वेरीड इज कॉल्ड कमांड, यानी द इनपुट जो कि क्या हो रहा है, विच कैन बी इंडिपेंडेंटली वेरीड कर रहा है वो कहलाएगा हमारा कमांड। फोर्थ हमारा रेफरेंस इनपुट। तो रेफरेंस इनपुट क्या होता है, एक ये होता है स्टैंडर्ड सिग्नल यूज फॉर कंपैरिजन इन द क्लोज लूप सिस्टम। रेफरेंस इनपुट क्या होगा, अ स्टैंडर्ड सिग्नल यूज फॉर कंपैरिजन इन द क्लोज लूप सिस्टम। आगे बात करते हैं कि एक्चुएटिंग सिग्नल क्या होता है। तो एक्चुएटिंग सिग्नल हमें हमेशा याद करना होगा कि जो डिफरेंस होगा, किसका डिफरेंस, बिटवीन द फीडबैक सिग्नल और रेफरेंस सिग्नल्स, फीडबैक सिग्नल और रेफरेंस सिग्नल्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है एक्चुएटिंग सिग्नल। सिक्स्थ वन, दैट इज योर डिस्टर्बेंस क्या है, एनी सिग्नल
other than the reference which affects the system is called disturbance. Disturbance क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये सब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कंट्रोल वेरिएबल्स के बेसिक एलिमेंट्स है. पहला कंट्रोल वेरिएबल हो गया, कंट्रोल सिस्टम के एलिमेंट्स हो गए, फर्स्ट कंट्रोल वेरिएबल, सेकंड इंडायरेक्टली कंट्रोल वेरिएबल, थर्ड कमांड, फोर्थ रेफरेंस इनपुट, पांचवा एक्चुएटिंग सिग्नल, जो कि हमने बताया था कि जो फीडबैक सिग्नल और रेफरेंस सिग्नल के बीच का डिफरेंस होता है, एंड द सिक्स्थ वन दैट इज योर डिस्टर्बेंस. एनी सिग्नल अदर देन रेफरेंस विच अफेक्ट्स द सिस्टम परफॉर्मेंस इज कॉल्ड डिस्टर्बेंस. सेवन्थ योर दैट इज योर सिस्टम एरर, द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड द आइडियल वैल्यू इज कॉल्ड सिस्टम एरर. आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं कि एग्जाम्पल ऑफ कंट्रोल सिस्टम एप्लीकेशन. फर्स्ट इज द स्टेयरिंग कंट्रोल ऑफ ऑटोमोबाइल, दिस इज वन इज द फर्स्ट एग्जाम्पल. सेकेंड वन प्रिंट व्हील कंट्रोल सिस्टम, थर्ड वन इंडस्ट्रियल स्विंग मशीन, फोर्थ सन ट्रैकिंग कंट्रोल ऑफ सोलर कलेक्टर, फिफ्थ स्पीड कंट्रोल सिस्टम, एंड सिक्स इज दैट इज टेम्परेचर कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रिक फर्नेस.